अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान लागते वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चाही है। नन नन तिन ही ते काज सब आज भाई कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी के जीवन की विविध प्रकार की विचित्र परिस्थितियों की यहाँ चर्चा चल रही थी। जीवनधर स्वामी जन्म हो गया और माता को देवी ने जैसा कहा, दासी ने जैसा कहा, दाई ने जैसा कहा, उसके अनुसार ही घटना घटती हुई भी नज़र आई। फिर क्या हुआ, गंधोत्कट नामक सेठ, वो सेठ अपने मृत पुत्र को वहाँ छोड़कर जीवित पुत्र को साथ में लेकर जैसे ही वहाँ से शमशान से निकल रहा था, अचानक कुछ शब्द कान में पड़े, जीवित रहो, चिरंजीव रहो। वह ऐसे शब्दों को सुनकर जीवक या जीवनधर नाम रखने का उसका भाव हुआ और उसका नाम जीवनधर रख दिया गया। माता को इस बात की चिंता थी कि पता नहीं कहाँ चला जाएगा, कहाँ रहेगा, इसलिए एकांत में छोड़ने के पूर्व ही हाथ में राज मुद्रा पहना दी गई, जिससे यह पता लगे कि यह राजपुत्र है। सेठ गंधोत्कट भी पुत्र को देखकर, तत्काल जन्मे हुए उस बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हुए। बालक तो अत्यंत सुंदर था ही, तद्भव मोक्षगामी है, भाग्यशाली है, कामदेव है और साथ ही राजपुत्र भी है। जैसे ही उसने मुद्रा को देखा और राजपुत्र पने का भान हुआ तो प्रसन्नता बहुत और अधिक बढ़ गई। पुत्र को लेकर अपनी सेठानी के पास पहुंचा, अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी का नाम था सुनंदा और वहां जाकर उससे क्रोधित होकर के क्रोध करने का नाटक करते हुए यह कहा कि अरे, जीवित पुत्र को मरा हुआ बताकर तुमने शमशान भेज दिया, ये पुत्र तो जिंदा है। माने स्वयं का पुत्र तो मरा ही था, लेकिन फिर भी पत्नी के सामने यदि यह बात व्यक्त कर दी जाती कि ये पुत्र तुम्हारा नहीं है, किसी और का पुत्र है, तो सहज ही ऐसा होता है कि स्नेह की कमी स्त्रियों में देखी जाती है। जैसा स्नेह, जैसा प्रेम अपने स्वयं के पुत्र के प्रति, अपने बालक के प्रति होता है, वैसा स्नेह और वैसा प्रेम निश्चित तौर पर किसी और के बच्चे के साथ में नहीं होता है। इसलिए सेठ गंधोत्कट ने उसके राजपुत्र होने की बात को छिपाया और सेठानी को कहा कि ये तुम्हारा पुत्र मरा हुआ नहीं है, जीवित ही है। यह बात भी आप सभी जानते ही हैं कि सेठ के जितने भी पुत्र होते थे वे सब मरे हुए ही जन्म लेते थे। इसलिए सेठानी को भ्रम भी हो गया कि हो सकता है आज तक जितने पुत्र हुए हैं सब मरे मरे होते थे, तो मैंने ऐसा ही समझ लिया कि ये भी मरा ही हुआ है, मेरे तो मरे ही होते हैं। एक साइकोलॉजी दिमाग में सेट हो जाती है ना, मेरे तो सारे पुत्र मरे हुए ही होते हैं, मैं तो मरा हुआ ही, फिर मरा हुआ ही होगा, देखना फिर मरा हुआ ही होगा, पता नहीं क्या है, मेरी तो किस्मत में जिंदा पुत्र है ही नहीं, मेरी किस्मत में तो मरे हुए, तो बार बार में तो हो सकता है शायद मेरी ही गलती रह गई हो, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। उसने उसे स्वीकार कर लिया। इधर रानी विजया का क्या हुआ कि देवी उसे ले गई तपस्वियों के आश्रम में। वहाँ जाकर उसने आरिका व्रत ग्रहण किए, संयम अंगीकार किया और ध्यान और साधना के दौरान भी
जिनेन्द्र देव के साथ साथ जीवंधर को भी वो स्मरण करती रही। पुत्र का नाम जीवंधर, पुत्र का वियोग हुआ है, पति तो था ही नहीं, उनका तो स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, और चूंकि आर्य का दीक्षा ली है इसलिए जिनेन्द्र देव का स्मरण तो होगा ही, लेकिन जिनेन्द्र के साथ साथ जीवंधर का स्मरण ये उसके चित्त में निरंतर चला करता था। क्या करें, श्रावकों के चित्त में तो पुण्य के परिणाम कभी कभी आते हैं और उनका तो जीवन मुख्य रूप से पाप परिणामों में ही बीतता है। सामान्य श्रावकों की बात है, मानो पाप का एक छत्र राज्य जन सामान्य के जीवन में दिखता हो, लेकिन तपस्वियों के जीवन में भी कभी कभी इस तरह के विकल्प घर गृहस्थी परिवार को लेकर के आ जाया करते हैं। फिर देखें कथा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम पेज नंबर 118 से। 118 नंबर पेज, रानी विजया को चटाई भी प्रिय। क्या कह रहे हैं, रानी विजया को ये चटाई भी प्रिय लगने लगी। कैसा स्वरूप हो जाता है देखो आप, अनल्प तूल तल्पस्थ सवरंत प्रसवादपि निर्भरम हंत सीद्यन्त्यै दर्भशय्याप्यरोचत। और बड़े खेद की बात है, एक तो खेद की बात क्या कही गई ऊपर, प्रथम तो खेद की बात यह हुई कि पुत्र स्मरण हो रहा है, वैराग्य दीक्षा लेने के बाद भी पुत्र का स्मरण हो, यह बहुत खेद की बात है। और दूसरी खेद की बात क्या कही, खेद की बात है कि बहुत सी रुई के बिछे हुए हैं गद्दे जिस पर, क्या कह दिया, बहुत सी रुई के बिछे हुए हैं गद्दे जिस पर, ऐसी शैया के ऊपर पड़े हुए डंठल सहित पुष्पों से भी अत्यंत क्लेश मानने वाली रानी के लिए डाब की चटाई भी रुचिकर लगने लगी। कैसा जीवन था पहले, उस पूर्व जीवन की यदि हम तुलना करें वर्तमान परिस्थितियों से तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। रुई के गद्दे, अब देखो डल्लभ के गद्दे तो कहेंगे नहीं, ये तो उस जमाने की बात है, चौथे काल की घटना का चित्रण है ना। राजा महाराजाओं के लिए जिस प्रकार की रुई के गद्दे सर्व सुविधा युक्त बनते थे, उस गद्दे के ऊपर यदि कहीं पुष्प बिछा दिए गए हों सेवकों के द्वारा, रानी के लिए शयन की व्यवस्था करते हुए यदि वहाँ पुष्प बिछा दिए गए, रानी है महाराजा है सोएंगे इसके ऊपर, तो सुंदर और कोमल तो गद्दे और उन कोमल गद्दों के ऊपर भी पुष्प, वे पुष्प के डंठल भी जिसे चुभते हों, आज वही रानी दीक्षा लेने के पश्चात जब डाब और की चटाई पर सो रही है, डाब तो जानते ही हैं सब, नारियल, नारियल को डाब कहते हैं ना, तो उसकी चटाई माने नारियल के छिलकों की बनी हुई, उसके ऊपर की घास की बनी हुई जो चटाई है, उस चटाई के ऊपर सोते हुए वही उसे रुचिकर लग रही है। हम ऐसा भी कह सकते हैं रुचिकर लग रही है, इसको इस अर्थ में भी देखा जा सकता है कि कष्टकर नहीं लग रही है। देखो संयमियों के लिए कहाँ किस परिस्थिति से आए हों वो अलग मैटर है, लेकिन वर्तमान में जिस परिस्थिति में हैं, इस परिस्थिति में वे कष्ट महसूस नहीं करते, उन्हें पीड़ा का अनुभव नहीं होता, ये संयम की ताकत है, ये अंतर का बल है, ये स्वभाव के अवलंबन की सामर्थ्य है जिसकी वजह से इस प्रकार का हुआ करता है। देखिए सरल अर्थ पढ़ते हैं आगे, बड़े खेत की बात है कि भरपूर रुई से बने हुए गद्दे पर जिस रानी विजया को डंठल सहित फूल भी दुख देते थे, उसी रानी को अब डाब की चटाई भी प्रिय लगने लगी। ये कितने खेत की बात है, ये क्या क्या हो गया है। अब इसमें खेद दो तरह से देखा जा सकता है,
माने ये जो आचार्य हैं दो तरफा कथन होते हैं, पता नहीं इस वचन के पीछे मर्म क्या छिपा हुआ है, क्या कहना चाहते थे। विशेष अर्थ में थोड़ा सा खोलेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ दो प्रकार के अर्थ कर रहा हूँ। डाब की चटाई रुचिकर लगने लगी, इसमें खेद है। खेद कही ना इन्होंने, आचार्य देव कह रहे हैं अत्यंत खेद की बात है। खेद क्यों कहा? अरे अरे कितने खेद की बात है यार, तुम्हें ये रुचिकर लग रही है, ये खेद की बात हो गई। तुम्हें तो ये रुचिकर नहीं लगनी चाहिए थी, तुम्हें इसके प्रति राग नहीं होना चाहिए था। तुम संयमी होकर के भी इसके प्रति राग कर रहे हो, ये खेद की बात है। एक अर्थ हो गया खेद का। दूसरा खेद का अर्थ सुनो, दूसरे खेद का अर्थ क्या है? ओहो, इतनी वैभव संपन्न होने के बावजूद भी आज चटाई पर सोना पड़ रहा है, ये खेद की बात है। दो तरफ अर्थ निकाल लिए अपन ने इसके। राज दरबार राजमहल में कहा राशि ठाट बाट के बीच में रहने वाली और कहा इस परिस्थिति में रहना पड़ रहा है, अत्यंत खेद की बात है। हमें खेद हो रहा है ये देख करके, ये खेद की बात हमारे लिए है। दूसरा, वो इन परिस्थितियों को देख करके रुचिकर समझ रही है, ये खेद की बात है। संयम अंगीकार करके देखें जरा विशेषार्थ में क्या कहते हैं। अज्ञानी जीव को लगता है कि अनुकूल पदार्थों के बिना मेरा जीवन कैसे चले। अज्ञानी को लगता है ऐसा, ओहो परिस्थितियां प्रतिकूल है, मेरा जीवन कैसे चलेगा, इस माहौल में मैं कैसे रहूंगा। ये रहने को तैयार नहीं होता। घर से बाहर निकल करके जाए और यात्रा के लिए जाए, क्या आज जा रहे हैं ना तमिलनाडु, और वहां जाकर ठहरने की व्यवस्था अच्छी नहीं मिले। सोचो आप, आज बहुत सारे लोग युवा वर्ग के वे तीर्थ क्षेत्रों पर जाना ही इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं मिलती, रूम नहीं मिलता, अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाथरूम अच्छा नहीं है, है? क्या हो गया है बुद्धि को? माने देखो, या तो आप तीर्थ वंदना के लिए जाओ नहीं, और जा रहे हो तो आपका उद्देश्य तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना है। सुविधाएं नहीं, सुविधाएं यदि आपको चाहिए तो घर में बैठो, और वंदना करनी हो तो वंदना के उत्कृष्ट भाव से निकलो। कैसी स्थिति है अज्ञानी को ऐसा, या तो मैं नहीं रह सकता, या तो मेरे से चल नहीं सकता ऐसी जगह पर, और मैं ऐसा खाना ऐसी जगह, ये हमसे नहीं हो सकता। अज्ञानियों की है ऐसी स्थिति, जगत में देखी जाती है। हम में तो नहीं होंगे कोई इस प्रकार के, कोई हो तो सुधारना अपनी बात को। यह उसका भ्रम है। जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी, मूल में तो जीव ही है, पहले ये तो नक्की करो। ज्ञानी या अज्ञानीपन तो बाद की है, पहले तो जीव है ना वो। जीव का तो ज्ञानादि गुणों को छोड़कर अन्य वस्तुओं से संबंधी नहीं है। ज्ञान को छोड़कर के दूसरी वस्तु से जीव का क्या संबंध है? धन से क्या संबंध है, और राजमहल से क्या संबंध है, राशि झाड़ बाट से क्या संबंध है, और ये घास फूस से क्या संबंध है? तन पर कपड़ों से संबंध नहीं, और तन से भी संबंध नहीं। जीव का जीवन पना तो उसके ज्ञानादि गुणों से है। जब जीव का अपना संबंध अपने ज्ञानादि गुणों से है, पर से संबंध नहीं है, तो फिर इन परिस्थितियों के अंदर राग करना और द्वेष करना यह समझदारी का काम नहीं हो सकता। देखिए क्या कहते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रानी विजया का जीवन है। रानी विजया का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, स्पष्ट दिखाई दे रही है हमारे को बात। उसका जीवन भी अब राजसी ठाट बाट नौकर चाकर के बिना चल ही रहा है। अब जीव का जीवन कैसे चलेगा बतलाओ? नहीं नहीं इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। अज्ञानी क्या कहता है? इसके बिना मैं नहीं चल सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। क्यों साहब, मोबाइल के बिना चल सकता है कि नहीं?
चल सकता है कि नहीं मोबाइल के बिना? अरे नहीं नहीं मेरा तो मोबाइल के बिना नहीं चल सकता। अभी 2-5 दिन पहले क्या हुआ, घर से निकलते समय मोबाइल घर छूट गया मेरा। जैसे ही रास्ते में निकले, स्मारक पहुंचना था, शिविर था, तो रास्ते में याद आई कि मोबाइल छूट गया। तो जैसे ही मेरे मुंह से ये निकला तो आरजब ने और उन्होंने कहा कि अब तो वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है मोबाइल की, और शाम तक लौट करके आए और नहीं था तो नहीं था, उसमें क्या हो गया मतलब। मेरे को यदि यदि दिन भर आपके पास में मोबाइल नहीं है और आपका मोबाइल छूट गया भैया, तो क्या लगता है बोलो, अधूरापन लगता है लाइफ में? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, मोबाइल के बिना भी आपकी लाइफ हो सकती है बहुत आराम से और बहुत अच्छे से, और इंटरनेट के बिना भी हो सकती है। मैं तो बंद ही रखता हूँ अष्टमी चतुर्दशी को, तो कितने साल हो गए आज, 3 साल से ज़्यादा हुए, तो क्या ज़रूरत है अपने को, बिना उसके रह नहीं सकते अपन। हाँ, बिना सुविधाओं के, बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, बिना एसी के, बिना लाइट के क्या हम नहीं रह सकते? क्या उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? अरे साहब लाइट के बिना तो आजकल जीवन कैसे हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते हम कभी ऐसा अष्टमी चतुर्दशी के दिन आज लाइट का उपयोग नहीं करेंगे? बोलो, अरे कैसी बात कर रहे हो, रात को तो जलानी पड़ेगी। नहीं, दिन भर तो रह सकते हो बिना लाइट के क्या? मैं नहीं कहता हूँ कि आप रात्रि को मोमबत्ती लालटेन दीपक जला करके बैठें, कोई बात नहीं, जो भी प्रकाश के लिए चाहिए, लेकिन दिन भर तो चल सकता है कि एसी नहीं चलाएंगे, कूलर पंखा नहीं चलाएंगे, लाइट नहीं जलाएंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी को यूज, बहुत हिंसा होती है उसमें भी क्या। तो जो संयमी जीव हैं हमारे देखने वाले, उन सबका जीवन किस प्रकार का होता है? अज्ञानी को क्या लग रहा था, इसके बिना चल नहीं सकता, क्या कहा था उसने, अरे अनुकूलताओं के बिना, अनुकूल पदार्थों के बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा, कपड़े नहीं है इसके बिना कैसे चलेगा, मकान के बिना कैसे चलेगा, इसके बिना कैसे चलेगा, इन सुविधाओं के बिना कैसे चलेगा। लेकिन भाई आज देखो परिस्थितियां बदल गई है रानी विजया के जीवन में, और जीवन चल रहा है, दीक्षा ले ली है उसने, संयम अंगीकार कर लिया है। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी मेरे जीवन में, वो घड़ी कब आएगी जब मैं संत बन के विचरूंगा, साधु बन के विचरूंगा, मुनिराजों के बताए हुए मार्ग पर, तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, वो अवसर कब आएगा ये दिखाई दे रहा है इसके जीवन में। रास्ती ठाट बाट के बिना चल रहा है, नौकर चाकर के बिना चल रहा है, जीवन चल ही रहा है ना, कौन कौन क्या कर रहा है बतलाओ। जहाँ एक आवाज पर 10 नौकर दौड़े चले आते थे, यहाँ आज कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, खाने पीने के लिए पूछने वाला नहीं है, निरंतराय भोजन मिलेगा तो ले लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, कैसी परिस्थितियां होती है। देखिए रानी विजया का आहार, अभी तो भोजन की परिस्थितियां दिखा रहे हैं, भोजन की परिस्थितियों को देखो कैसी परिस्थितियां बन रही है। 119 नंबर पेज, 104 नंबर का श्लोक, रानी विजया का आहार। स्वहस्त नून निवारो प्याहारो स्याह परेण किम अवश्यम हिनु भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ओहो क्या कह रहे हैं भाई, कृतं कर्म शुभाशुभम भोक्तव्यम, ओहो भोगना ही पड़ेगा तुझे, कैसे नहीं भोगेगा तू, पूर्व कृतम स्वयं के द्वारा किए गए कर्म कैसे नहीं भोगेगा। परेण किम, दूसरा कौन देगा तुझे, कितनी सुंदर चर्चा है। आपको अमित गति आचार्य की वे पंक्तियां याद आ गई होंगी जिनमें यही बात कही गई है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि ये लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। क्या इसका ही अनुवाद था वो हिंदी जो बोली थी अपन ने, मूल पंक्तियां हैं।
देखो जरा यहाँ भी पढ़ते हैं अपन, परेण किम, और तो क्या, स्वहस्त लून निवार है अपी, अपने हाथ से कटा हुआ निवार धान्य भी अस्या इसका आहार हुआ। ओहो कहाँ कहाँ चले गई वो, तब तपस्वियों के साथ में रहने गई, अपने हाथ से कटा हुआ निवार धान्य भी इसका आहार हुआ, स्वयं के द्वारा किया गया कार्य, पूर्व कृतम पूर्व में किया हुआ शुभाशुभम कर्म, शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्यम अनुभोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो ऐसे कौन जीव है जिन्हें अपने द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता हो, किसको नहीं भोगना पड़ेगा, स्वयं ने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ यह बात अलग है कि ज्ञानी भी भोगते हैं और अज्ञानी भुगतते हैं, अज्ञानी भुगतते हैं और ज्ञानी भोगते हैं, क्या फर्क पड़ता है। और सच बात कहूँ तो ज्ञानी कर्म फल को भोगते ही नहीं है, कर्म का फल कर्म फल में आता है, ज्ञानी अपने आप को उससे भिन्न चैतन्य तत्व अनुभव करते हुए उससे अलिप्त रहते हैं, ऐसा ज्ञानियों का जीवन होता है। चलिए नीतिकारों की नीति भी इन्होंने यहाँ बतला दी, सरल अर्थ पढ़ते हैं यहाँ, और बातों का तो क्या कहना, इस समय रानी विजया का भोजन भी अपने हाथों से काटा हुआ निवार नाम का निकृष्ट धान्य है, वो निवार धान्य का नाम ही बहुत निकृष्ट धान्य है कोई निवार नाम का, और अपने हाथों से काटा हुआ है, क्योंकि अपना किया हुआ बांधा हुआ शुभाशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है, अपना किया हुआ जो कर्म है अपना ही बांधा हुआ कर्म है, किसी और का बांधा हुआ नहीं है, ये तीन लोग तीन काल में ये बात संभव नहीं है, किया तो मैंने और फल दे रहे कोई और, ऐसा होता ही नहीं है, मैंने कर लिया और कोई फल देने वाला हो, कोई ईश्वर फल दे देवे, कोई परमात्मा फल दे देवे, कोई बता देवे, कोई सिखा देवे, कोई समझा देवे, हैं कोई भला बुरा कर देवे, ऐसा कभी कहीं नहीं होता है, सबको अपना अपना मिलता है। कभी कभी आपने ऐसे वाक्य सुने होंगे औरों की करनी के फल हमें भोगने पड़ रहे, वो तो करके चले गए सब, भुगतना हमें पड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता सर, किसी और के किए हुए कर्मों का फल किसी और को नहीं मिलता, अपने ही किए गए कर्म का फल अपने को मिलता है, किसी और का नहीं, जैसा किया होगा वैसा मिलेगा, कि नहीं नहीं साहब फिर भी एक्सीडेंट तो उनका हुआ, कर्म का उदय तो उनका था, आप तकलीफ तो सब कुछ भोगनी पड़ रही है, ऐसा होता है कि नहीं है? घर में मान लो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो पूरा घर पूरा बिजनेस सब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया कि नहीं, अब तो सबको बार बार में अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, खड़े हैं, ड्यूटी देनी पड़ रही है रात को, ये वो सारी परिस्थितियां, सारा घर में खान पान सब सब काम डिस्टर्ब हो गया ना, तो किस कर्म के उदय से, उसके एक्सीडेंट से, बोलो क्या हुआ, किसके से, उसके एक्सीडेंट से हुआ ना, सबके कर्मों का फल है। अच्छा उसका एक्सीडेंट होना किसके कर्मों का फल है, जिसकी दुर्घटना हुई है वो उसके ही कर्म का फल है, एक चीज। अब उस दुर्घटना के होने पर जिस जिस व्यक्ति को जितनी जितनी आकुलता तकलीफ और वेदना होगी, ये उस व्यक्ति का निजी व्यक्तिगत कर्म का उदय है, ये अपने कर्म का फल है। दादी जी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए, इधर से माता जी को हार्ट अटैक आ गया, कितनी तरह की परेशानियां होती है, तो उनको जो अटैक आया या उनकी जो किसी की दुर्घटना हुई वो उसका कर्म का उदय था, और उस दुर्घटना के काल में मुझे जितना परेशान होकर के भुगतना पड़ा ये इतना मेरे कर्म का उदय था। सबका व्यक्तिगत चलता है, मिश्रित होकर के नहीं आता, मिलकर के नहीं आता है, एक ही परिस्थिति और दुख सबका अलग अलग, ऐसा क्यों भाई,
बच्चों को तो कभी कभी डांटना पड़ता है, अरे क्या हो गया तेरे को, इतने भी तेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, तेरे को कोई दुखी नहीं होता है, तेरे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दादी जी अस्पताल में भर्ती है और तुझे तेरे खेलना कूदना मौज मस्ती दिख रही है, तुझे अपनी पार्टी मनाना दिख रहा है, लो उसको कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। नहीं बोलते हो कभी ऐसा कि वो गिर गए हैं, इन्हें संभालना, इनका ध्यान रखना, इनसे पूछना, तबीयत हालचाल पूछना तो दूर की बात है, और तुझे अपने ही मौज मस्ती से फुर्सत नहीं, ये क्या हुआ? उसको नहीं है उस जाति के पाप कर्म का उदय तकलीफ भोगने जैसा, लेकिन डांट खाने जैसा तो पाप का उदय आ रहा है। तो ये बहुत विचित्र है प्रकार की स्थितियाँ यहाँ इन्होंने बतला दिया। बांधा हुआ कर्म, नीतिकारों के अनुसार ये बात कह दी, पूर्व में किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, अवश्य ही भोगना पड़ता, अवश्यमेव, यानी सब वो नहीं भोगना पड़े ऐसे निर्जरा भी तो हो जाती, हमें भोगना नहीं पड़ा निर्जरा हो गई, ऐसा भी तो परिस्थितियाँ बनती है। सुनो भाई, ऐसा नहीं होता कि कर्म फल के बिना किसी को निर्जरा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अरे साहब हमने तो ऐसा ही सुना है, अपने आप ही चले जाएंगे कर्म, निर्जरा हो जाती है, निर्जरा तो कहते हैं उसे अपन, सभी पाप की बात नहीं कर रहे, फल देकर के गिरने वाले कर्मों की बात नहीं कर रहे, कर्म तो निर्जरा, तो वो असली जो तप से जो निर्जरा होती है उसमें तो बिना फल दिए हुए चले जाते हैं ना कर्म, कि नहीं जाते क्या? कोई कर्म ऐसा नहीं होता जो उदय के बिना नष्ट होता हो, क्या भैया? हाँ इतना है कि वो उदय स्वमुख से नहीं आकर के परमुख से उदय में आवे, क्या अत्यंत मंद होकर के उदय में आवे, दूसरे रूप होकर के उदय में आवे, अत्यंत अल्प होकर के उदय में आवे कि आया ही नहीं ऐसा हो गया, हम कहेंगे उसकी निर्जरा हो गई, ऐसा कहा जाता है। ये है कर्णानुयोग का नियम है, तो सिद्धांतों के अनुसार बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, विशेषार्थ पढ़ करके पूरा करते हैं। देखिए अपने प्रकरण को, हाँ अनंतानुमंदी अप्रत्याख्यान में, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में, संचलन में, और अल्प होकर के असाता साता के रूप में होकर के, साता भी बहुत अल्प अल्प स्थिति होकर के, स्थिति तो घटती है अनुभव बढ़ता है। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सर्व प्रकृतियों में होता है, और अनुभाग वो पाप प्रकृतियों का घटता है और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता है। क्या अनुभाग मतलब फल, स्थिति मोक्ष मार्ग की बात करो, टोडरमल जी का वाक्य है, टोडरमल जी कहते हैं स्थिति मोक्ष मार्ग में बढ़ते समय, स्थिति माने टाइम पीरियड, समस्त कर्मों का कम होता है, समस्त कर्मों की स्थिति तो घटेगी, स्थिति का घटना तो सर्व कर्मों का हुआ, लेकिन अनुभाग बोले अनुभाग पाप प्रकृतियों का तो घटता है और पुण्य प्रकृतियों का बढ़ता है, ये ऐसी परिस्थिति सहज ही होती है पुण्य और पाप कर्म के संदर्भ में। देखिए यहाँ रानी विजया के साथ में क्या परिस्थिति बन रही है उसका चित्रण करता हूँ मैं। जीव को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, पेज नंबर 119 पर विशेषार्थ, जीव को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अघाती कर्म ही विवक्षित है। यहाँ पर पुण्य और पाप कर्म का बंटवारा अघातीय कर्मों में ही होता है, घातीय कर्मों में बंटवारा नहीं होता। आप जानते हैं घातीय कर्म है ना, चार घातीय कर्म कौन कौन से? ये जो चार घातीय कर्म है, इन घातीय कर्मों की जितनी प्रकृतियां हैं, जितने भेद हैं, 47 है टोटल, ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, मोहनी के 28 और अंतराय के 5, टोटल हो गए 47। ये सारी की सारी कर्म प्रकृतियां पाप रूपी, ये सारी कर्म प्रकृतियां पाप रूपी है घातीय कर्म की, तो पुण्य और पाप का बंटवारा
पुण्य और पाप का विभाजन ये कहाँ होगा कि पुण्य और पाप का बंटवारा तो आघातिया कर्म में ही होता है, घातिया कर्म तो सारे पाप रूप ही हैं। इसलिए यहाँ ये कहा गया कि ये बंटवारा ये विभाजन आपको आघाती कर्म के संबंध में ही समझना चाहिए, क्योंकि पुण्य और पाप और शुभाशुभ के भेद आघाती कर्मों में ही होते हैं, घाती कर्मों में नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। पुण्य और पाप का बंटवारा, कौन सी प्रकृति पुण्य प्रकृति है, कौन सी पाप प्रकृति है, ये सारा बंटवारा कहाँ होगा, आघातिया कर्मों में ही होगा। चलें आगे देखो, यहाँ वेदनी कर्म की मुख्यता से कथन चल रहा है, वेदनी कर्म की मुख्यता से चर्चा चल रही है। वेदनीय कर्म जीव को बाह्य पदार्थों के संयोग वियोग कराने में निमित्त है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने लिखा पेज नंबर 25 पर, वेदनीय कर्म क्या करने में समर्थ है, संयोग वियोग, बाह्य परिस्थितियां, माने परिस्थितियां उदय अधीन है लेकिन सुखी दुखी होना ये उदय अधीन नहीं है। क्या दो शब्द हैं, एक है परिस्थिति और दूसरा शब्द मनस्थिति। क्या परिस्थिति उदय पर निर्भर करती है और मनस्थिति आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन मनस्थिति ये यदि ठीक है तो आपको प्रतिकूल परिस्थितियां भी दुख देने में समर्थ नहीं हो सकती है। ये कह रहे हैं यहां, कोई भी जीव संयोग वियोग में आने वाले पदार्थों में अपनी ओर से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हम चाह करके भी पदार्थों में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम चाह करके भी संयोगों को नहीं बदल सकते, हम चाह करके भी परिस्थितियों में फेरफार नहीं कर सकते। एक पदार्थ के ऊपर हमारी नहीं चलती, एक संयोग पर हमारी नहीं चलती। कहाँ जाएंगे, कब पहुँचेंगे, कैसी व्यवस्था मिलेगी, कैसा भोजन मिलेगा, कैसी ठहरने की व्यवस्था होगी, आवास व्यवस्था कैसी होगी, भोजन व्यवस्था कैसी होगी, कपड़े कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, ये सारे के सारे संयोग ये सब कर्म के उदय पर निर्भर कर रहे हैं। ये लिखा यहाँ, पदार्थों के संयोग वियोग में पूर्वबद्ध कर्म का उदय ही निमित्त होता है। इस मुख्यता से यहाँ आचार्य श्री विवेचन कर रहे हैं। आप लोगों को घटना का पता नहीं है, ये चल रहा है जीवनधर चरित्र, क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ। जीवनधर स्वामी, मैंने अभी शुरू किया था तब भी ये चर्चा की थी, आप लोग थे नहीं उस समय तक। जीवनधर स्वामी ये कामदेव हुए हैं, आप लोग जानते हैं कामदेव, सुना है कामदेव क्या होते, सबसे सुंदर शरीर होता है। ये कामदेव मोक्ष जाते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं सब, सबसे सुंदर शरीर होता है। उन कामदेवों में एक कामदेव, 24 होते हैं कामदेव भी तीर्थंकरों के समान, 24 में से एक कामदेव थे जीवनधर स्वामी। लेकिन पता है इनका जन्म कहाँ हुआ, जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ शमशान में। राजा के बेटे थे, और राजा के बेटे तो थे ही, राजा भोगों में फंसा रहा, उलझा रहा, तो राजा का जो सेनापति था उस सेनापति ने पूरे राज्य को हड़प लिया और राजा को मारने का प्रयास किया। राजा का नाम था सत्येंद्र, जीवनधर के पिता सत्येंद्र, पिता उसके पिता को मारने का प्रयास किया, पत्नी गर्भवती थी। फिर क्या हुआ, फिर क्या परिस्थिति बनी होगी, तो जैसे ही वो मारने के लिए आया, वो पता लगा कि ये मारना चाहता है, उसने गर्भवती अपनी पत्नी को एक विमान में बिठाकर, चौथे काल की बातें, एक विमान में बिठा करके रवाना कर दिया, खुद ही अपने हाथ से चलाया विमान और भेज दिया। लेकिन ऐसे पाप कर्म का उदय आया मनीष जी कि वो विमान उड़ता उड़ता ही रास्ते में ही टूट गया और टूट कर शमशान भूमि में जाकर गिर गया। इधर राजा की हत्या कर दी गई, राजा युद्ध हुआ राजा के साथ में, राजा ने दीक्षा ले लिया, वो सब स्वर्ग में चला गया मरकर, राजा तो मारा गया। अब ये इस पुत्र का जन्म हुआ शमशान में, जीवनधर स्वामी का जन्म शमशान में हुआ। अब कैसे पाप कर्म का उदय है, शमशान में जन्म हो रहा है, खाने पीने वाला कोई नहीं है, खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है,
पत्नी माने माता की भी क्या स्थिति है, कहां तो रात से टाट बाट में रहती थी, कहां परिस्थितियां कितनी बदल गई है। फिर एक घटना अचानक घटी, एक देवी वहां प्रकट हुई और वो देवी ने वहां प्रकट होकर दासी के वेश में प्रकट हुई। रानी को संतुष्ट किया कि इसका लालन पालन अच्छी जगह होगा, और ऐसा उसको संतुष्ट कर दिया। और फिर घटना ऐसी घटी कि एक सेठ शमशान भूमि में आया अपने मरे हुए पुत्र को लेकर। सचिन जी क्या होता था उस सेठ के साथ में, उसके जितने पुत्रों का जन्म होता था सब मरे हुए पैदा होते थे। उस सेठ का नाम था गंधोत्कट। उस सेठ के जितने पुत्र होते थे सब मरे हुए जन्म लेते थे। किसी मुनिराज को उसने अपनी समस्या बतलाई। अवधि ज्ञानी थे मुनिराज, उन्होंने कहा कि सुनो, अब जो तुम्हारा पुत्र होगा वो भी मरा हुआ पैदा होगा, और जब मरे हुए पुत्र को तुम शमशान में रखने के लिए जाओगे तो वहां तुम्हें एक जिंदा पुत्र मिल जाएगा, जन्मा हुआ, उसी समय जन्मा हुआ, उसको ले आना। और वो इतना भाग्यशाली होगा कि जब उसे लेकर के आओगे तो आगे तुम्हारे जितने भी पुत्र होंगे, जो भी पुत्र होगा वो जिंदा रहेगा, फिर मरेगा नहीं उसके भाग्य से। अब ऐसा ही हुआ, मुनिराज ने जैसा कहा मरा हुआ पुत्र जन्म हुआ। अब मरा हुआ हुआ लेकर के वो शमशान में पहुंचा। शमशान में जब पहुंचा तो अपने मरे हुए पुत्र को तो शमशान में रखा और आसपास में तलाशने लगा, क्योंकि मुनिराज ने कही थी ये बात। क्या तो वहां उसे एक जिंदा पुत्र मिल गया। कौन था वो? जीवंधर स्वामी। माता को घबराहट थी कि कौन आएगा, जाने कौन ले जाएगा। उसने अपनी राज मुद्रा, राजघराने का था ना वो, तो बोले अभी जन्मा है, कुछ भी नहीं है इसके पास, तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है बच्चे के लिए, ओढ़ने पहनने को भी कुछ नहीं है, नंगा बच्चा। तो उसके हाथ में वो राज दरबार की जो राज मुद्रा थी वो उसको दे दी, हाथ में दे दी, हाथ में पहना दी, जिससे पता लगे ले जाने वाले को कि ये कोई साधारण नहीं है, राजपुत्र है। सेठ को भी इस बात का पता लग गया और वो चले गए, लेकर के चला गया। ये सारी घटना जो है पूरी अभी तक की ये घटना चली है, इतनी ये पूरी ये कहानी जितने श्लोक पढ़े जा चुके हैं, माने 100 श्लोकों में इतनी कहानी है जो मैंने आपको 100 सेकंड में बतला दी, समझ लो आप। सो फिर क्या हुआ इसके बाद, अभी ये घटना यहाँ तक पढ़ ली हमने, पूरी सुना दी आपको। अब क्या हुई परिस्थिति, वो तो वहां ले गया अपनी रानी की पत्नी के पास में, रानी सुनंदा, पत्नी सुनंदा था उसका नाम, और वहां जाकर के वो डायरेक्ट दिया नहीं, पत्नी पर जाकर के गुस्सा किया। क्या करती हो, जिंदा पुत्र को मरा बता करके दे दिया, उसका तो था नहीं, उसका तो मरा हुआ ही था, बात तो सच्ची थी, लेकिन पत्नी से उस बात को छिपा लिया, क्योंकि सच्ची बात यदि मैं बताऊंगा तो दूसरे का पुत्र जानकर शायद वो स्नेह ना रहे, छिपा ली, कोई बात नहीं। अब वो जो भी हुआ वो आगे घटना आगे चलेगी। इधर रानी विजया का क्या हुआ, जीवंधर की माँ का, तो जीवंधर की माँ जो राजसी ठाट बाट के बीच में रहती थी, आज वो तपस्वियों के आश्रम में रहने लगी, और परिस्थिति इतनी बदल गई कि अपने हाथ से बनाया हुआ धान्य स्वयं को खाना पड़ रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति रानी के साथ में हो गई। इस बात का चित्रण करते हुए यहाँ जो आचार्य वाजीव सिंह सूरी हैं वो ये कह रहे हैं, भाई समय बदलते हुए देर नहीं लगती, कब प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूलताओं में बदल जाए और कब अनुकूल परिस्थितियाँ प्रतिकूलताओं में बदल जाए, ये समय कब बदल जाए, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। क्या इसलिए सावधान रहो, घमंड मत करो, अनुकूलताओं को देख करके गर्व घमंड मत करो, और प्रतिकूलताओं को देख करके रोने का प्रयास मत करो। प्रत्येक परिस्थिति में यदि समता भाव होगा तो आपका आगे आने वाला भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि वर्तमान पर भविष्य टिका हुआ रहता है। हमारे भविष्य का आधार क्या है? वर्तमान। वर्तमान कैसा है ये इस बात को दिखाता है कि भविष्य कैसा होगा। तो देखें इसका वर्तमान कैसा है, इस परिस्थिति का यहाँ चित्रण किया इन्होंने, और ये पुण्य पाप की विचित्रताओं को बतलाते हुए यहाँ इस बात को संपन्न कर रहे हैं। देखिए 119 पेज की ये पंक्तियाँ, ऊपर हेडिंग था ना 104 नंबर श्लोक का, रानी विजया का आहार, माने तपस्वियों के आश्रम में रह रही है, प्रतिकूलताओं में आहार मिला है।
देखें क्या कहा, पदार्थों के संयोग वियोग में, नीचे से छठी सातवीं लाइन, पदार्थों के संयोग वियोग में पूर्वबद्ध कर्म का ही उदय निमित्त होता है। इस मुख्यता से यहां आचार्य श्री विवेचन कर रहे हैं, जीव को बाह्य वस्तुओं का जैसा भी संयोग वियोग है उसमें जीव का कुछ कर्तृत्व नहीं। कपड़े कैसे होंगे, देखो इतने विद्यार्थी हैं, इतने विद्यार्थियों ने सबने कुर्ता पजामा पहन रखा है, क्या सबका कुर्ता पजामा एक जैसा है? नहीं, सबका एक जैसा नहीं है, ऐसा क्यों बोलो? सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है ना, और सबकी अकल भी एक जैसी नहीं। ये शक्ल और अकल का अंतर क्यों है? सबके दो आंखें हैं, सबके दो कान हैं, एक नाक भी है कि नहीं सबके? देख लो, चेक कर लो, है या नहीं है, है? सबके दांत हैं, दो हाथ पांव हैं, और शक्ल एक जैसी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है भैया? शक्ल भी एक जैसी नहीं है और अकल भी एक जैसी नहीं है। तो इस शक्ल और अकल का अंतर किस वजह से है? बोले कर्म के उदय से है। ये संयोग है, ये परिस्थितियां हैं, ये संयोग और वियोग, इसमें जीव का कर्तृत्व नहीं चलता, अपनी इच्छा नहीं चलती। कितना भी अच्छा से अच्छा करने और सोचने का प्रयास करो, लेकिन होगा वही, मिलेगा उतना ही जितना हमारे उदय प्रमाण व्यवस्था होगी, उससे कम भी नहीं मिलेगा और उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। देखो क्या हुआ यहां, उसमें जीव का कर्तृत्व नहीं है, उसे शुभाशुभ कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, ऐसा स्पष्ट किया है। कर्म बलवान है, यह जीव को बलजोरी से संसार में भरमाता है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। देखो इन बातों को सुनकर किसी, अरे साहब कर्म तो बहुत बलवान है भाई साहब, सब कर्म का ही चलता है, क्या करें, हमारे हाथ में तो क्या है, और पाप कर्म का हो जाए, हमारे तो पाप कर्म का हो जाए, आ जाएगा भैया, सावधान रहो कर्म से। फिर भगवान की पूजा छोड़कर हे कर्म ऐसा करने लगे अपन, भाई कर्म कुछ नहीं करते, हे जीव तू अपने स्वरूप को भूल बैठा है, इसलिए कर्म तेरे ऊपर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। तू यदि अपने स्वभाव का अवलंबन लेवे तो ये कर्म छूट जाएंगे और तुझे परमात्मा अवस्था की प्राप्ति होगी। ये जैन धर्म हमें बड़े भाग्य से मिल गया है, बहुत पूर्व पुण्य के उदय से ये जैन कुल और जैन धर्म और ये जनवाणी सुनने का अवसर हमारे को मिल गया है। हमें अपने भाग्य को समझना चाहिए और मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। चैतन्य धाम में रहते हैं ना आप, कहाँ रहते हैं? चैतन्य धाम। अभी कहाँ ठहरे हैं? स्मारक में रुके हैं। चैतन्य धाम छोड़ दिया, कब छोड़ा था? कब छोड़ा? परसों छोड़ा? नहीं भाई, कोई जीव अपने चैतन्य धाम को छोड़ता नहीं है। क्या हम चैतन्य धाम छोड़ के थोड़ी ना आए हैं? चैतन्य माने क्या? चैतन्य कहते हैं अपने ज्ञानादि गुणों को, उसका नाम है चैतन्य। तीन शब्द हैं, चेतन, चैतन्य और चेतना। तीन शब्द सुन, चेतन, चैतन्य और चेतना। चेतन तो कहते हैं जीव को, जीव का पर्यायवाची है चेतन, आत्मा का पर्यायवाची है चेतन। चैतन्य है उसका ज्ञान गुण, वो है चैतन्य, और चेतना है पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। तो चैतन्य क्या है? गुण। तो मैं कहां रहता हूं कि सदा काल अपने ज्ञानादि गुणों में ही निवास करता हूं, वो स्थिति है। नित्य चेतना स्वरूप मेरो, जिस मंदिर में आप बैठे हैं ना, वो संक्षिप्त परिचय दे देता हूं साथ में ही। जिस मंदिर में आप बैठे हैं मालूम किसका मंदिर है? ऊपर लिखा है हम कुछ पंडित टोडरमल जी प्रवचन कक्ष, इस मंदिर में इसी स्थान पर टोडरमल जी बैठकर प्रवचन करते थे, यहीं आप जहां बैठे हैं ना यहां पर भी टोडरमल जी बैठते होंगे।
जब ये अपने जीवन काल में यहाँ रहे सचिन जी, तो कौन सी जगह ऐसी होगी जहाँ टोडरमल जी नहीं बैठे होंगे? जो स्थान टोडरमल जी के देह से स्पर्शित नहीं रहा होगा? मैं बहुत बार फील करता हूँ जब कभी इस पिलर के हाथ लगा करके खड़ा होता हूँ, यहाँ इस कंधे के हाथ लगा कर, तो टोडरमल जी कभी कभी इसको हाथ लगा के खड़े रहते होंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना, बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब कौन सी जगह पर बैठते थे, यहाँ बैठते थे, इधर बैठते थे, इधर बैठते थे। अरे मैं कहाँ बैठता हूँ, अपन कहाँ रहते हैं? अभी यहाँ बैठ गए, अभी यहाँ बैठ गए, कभी चर्चा करते हुए यहाँ बैठ गए, कभी और लोग बैठे और आगे बातें करने लगे, कभी इधर खड़े हो गए, कभी ऐसा ही तो चलता है ना। पूरे मंदिर में कोई एक स्थान थोड़ी ना है, ये टोडरमल जी का मंदिर, टोडरमल जी की कार्यस्थली रहा जहाँ टोडरमल जी ने अपना जीवन बिताया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है। क्या कह रहा हूं, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, पूरे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान पर पिछले पौने 300-300 वर्षों से नियमित प्रवचन चल रहा हो। पूरे विश्व में कहीं नहीं है, कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां 300 सालों से बराबर प्रवचन की परंपरा चल रही है। वक्ता बदल जाते हैं, श्रोता बदलते रहे, टोडरमल जी के बाद 300 सालों में कितने ही विद्वान यहां आए, कितने ही विद्वानों ने यहां प्रवचन किए, और श्रोता भी हिसाब, आप ये कह रहे हो 300 सालों से सभा चल रही है, कौन है यहां जो 300 साल से बैठा है? 300 साल से तो कोई नहीं बैठा हुआ है ना। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, शास्त्र का एग्जांपल देता हूं, मुझे बतलाइए कर्म कब से बन रहे हैं आपके साथ में? अनादि से बन रहे हैं, पक्का? कोई कर्म ऐसा है जो अनादि का बैठा है आपके साथ में? है? एक भी कर्म नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम पुराना, कितना पुराना कर्म होगा आपके साथ में? 70 कूड़ा कूड़ी साल, इससे पुराना तो कर्म मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप अनादि अनादि क्या कह रहे हो, अनादि कहकर के क्या कहना चाह रहे हो? अरे परंपरा की दृष्टि से अनादि है। अच्छा टोडरमल विद्यालय कब से चल रहा है? ये 50 साल से। ये 50 साल से कौन पढ़ रहा है वहां? कोई नहीं। तो फिर कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? परंपरा से चल रहा है। ऐसे परंपरा से यहां निरंतर गतिविधियां बराबर चलती रहती है। यहाँ ये कार्यस्थली रहा टोडरमल जी के बाद में पंडित जयचंद जी छाबड़ा, सदा सुखदास जी, बुधचंद जी, भागचंद जी, हैं ऐसे बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने बहुत काम किए। टोडरमल जी के ही सुपुत्र गुमानी राम जी, वे भी कम बड़े विद्वान नहीं थे, वे भी इस सभा में बैठ करके प्रवचन किया करते थे। तो ये ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है। जयपुर बसे हुए भी इतना ही काल हुआ है, जब से जयपुर बसा तभी जयपुर के बसने का काल, माने नींव लगने का काल और मंदिर की नींव लगने का काल एक साथ ही है। और टोडरमल जी के पहले से, मैं टोडरमल जी की बात नहीं करता, टोडरमल जी के गुरु थे बंशीधर जी, वे भी यहां प्रवचन करते थे, वो यहीं पढ़ाते थे, यहां उनके प्रवचन चलते थे और टोडरमल जी सभा में बैठते थे। मैं एक घटना बतलाना चाहता हूं आपको। टोडरमल जी जब यहाँ प्रवचन सुनने के लिए बैठते थे, आप लोगों जैसी छोटी उम्र के थे, आपसे भी छोटी उम्र के, बहुत छोटी उम्र के, मैं समझता हूँ कोई 8-9-10 साल के रहे होंगे। ऐसे समय में बंशीधर जी यहाँ प्रवचन कर रहे थे, सभा यहाँ चल रही थी, और सभा के चलते चलते कोई एक विदेशी विद्वान, कोई व्यक्ति, वो बाहर से गुजर रहा था नीचे रोड पर से, उसने यहाँ बहुत सारी चप्पलें जूते खुले हुए देखे नीचे, ऊपर चढ़ करके आ गया कि क्या चल रहा है, ऊपर कोई आयोजन चल रहा है मालूम चला, प्रवचन चल रहा है, यहाँ आकर के बैठ गया। जब यहाँ आकर के बैठा वो, तो उसने बगल वाले से पूछा कि कौन है ये? तो बोले वंशीधर जी है, प्रवचनकार है, विद्वान है, प्रवचन चल रहा है इनका। तो बीच प्रवचन में उसने मजाक बनाते हुए पंडित जी से ये कहा कि पंडित जी सुना आपका नाम वंशीधर है। अरे वंशीधर तो हमारे श्री कृष्ण का नाम है, वंशीधर, वंशी को धरे वो वंशीधर, आप कैसे वंशीधर हो गए, वंशी कहाँ है आपकी, आप वंशीधर कह रहे हो। तो पंडित जी की आज्ञा लेकर टोडरमल जी, जो कि 8-10 साल की उम्र के थे,
पंडित जी की आज्ञा लेकर वंशीधर शब्द के 17 प्रकार से अर्थ किए और सिद्ध किया कि इसलिए ये वंशीधर है। आप सोच सकते हैं चुड़रमल जी कैसी प्रतिभा के धनी थे, उनकी विद्वत्ता बड़ी गजब की थी। ऐसी किंवदंती भी हम सुनते हैं कि पहले दिन पाठशाला में जब वो पढ़ने के लिए गए, विद्यालय में पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज तो होते नहीं थे, शालाएं चला करती थी ज्ञान प्राप्ति के लिए 300 साल पहले, जब वो पहले दिन पढ़ने के लिए गए तो पहले दिन जब उनको क ख ग सिखाया जा रहा था, बतलाया जा रहा था, उनको पहले ही दिन पूरी कक्षा लगी हुई है और पहले दिन जब सिखाना शुरू किया, क लिखना शुरू किया, इन्होंने क लिख दिया, अरे ये तो ये लिख रहा है, ख लिख दिया, पूरी की पूरी बार खड़ी पहले ही दिन कोडरमल जी ने लिख दी उस 2-3 साल की उम्र में। अद्वितीय विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जयपुर छोड़ करके उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा, वापस लौट करके भी आए। ब्रह्मचारी रायमल जी जैसे उनके शिष्य रहे, सैकड़ों लोग उनकी प्रवचन सभा में यहाँ बैठा करते थे। वो क्या जमाना होगा, चुड़रमल जी की ख्याति और प्रसिद्धि कितनी थी मैं उसके बारे में आपको क्या कहूँ। माने दूर दूर से, जिस जमाने में आवागमन के साधन नहीं थे, उस जमाने में चुड़रमल जी कितने दूर से, मुल्तान की चिट्ठी तो एक प्रसिद्ध उदाहरण है हमारे बीच में, जानते हैं मुल्तान जो कि आज पाकिस्तान का एक नगर है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, वो वहां से चुड़रमल जी से शंका समाधान के लिए यहां तक आई चल करके। इसका मतलब इनकी ख्याति और प्रसिद्धि पाकिस्तान तक दूर दूर तक फैली हुई थी। दक्षिण भारत गए, धवलादि ग्रंथ इनको उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन फिर भी गोमटसार आदि ग्रंथों के ऊपर जो इन्होंने कलम चलाई, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो इनके माध्यम से लिखी गई, वो यहीं बैठ करके इसी जैन मंदिर में सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी गई, इसी मंदिर में बैठकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उनके माध्यम से लिखा गया, ये उनकी कार्यस्थली है। ये चुड़रमल जी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर ये कहलाता है। इस मंदिर में आप सभी यहाँ पधारे हैं, विशेष हमारे शास्त्रीय विद्वानों के साथ में सचिन जी हैं और मनीष जी हैं और मोहित जी हैं। सो आप लोग इनके सानिध्य में पढ़ रहे हैं वहाँ चैतन्य धाम में, बड़ा अच्छा है, प्रसन्नता का विषय है। चुड़रमल जी की ख्याति और प्रभावना को दिन दोगुना रात चौगुना फैलाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आप लोगों को देख करके मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि चुड़रमल जी पंचम काल के अंतिम समय तक जीवित रहेंगे। आज वे चुड़रमल जी तो चले गए है ना, लेकिन कितने चुड़रमल तैयार हो रहे हैं ये देखो आप सबने चुड़रमल जी की छवि दिखाई देती है, आप सबने गुरुदेव की छवि दिखाई देती है, आचार्य कुंद कुंद और आचार्य अमरचंद्र स्वामी की छवि दिखाई देती है। आप सभी बहुत गहराई से अध्ययन करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल करें, सार्थक करें। अध्ययन का काल है, अपना उपयोग गहराई से अध्ययन में ही लगाएं और अपने गुरुजनों के निर्देशन में ही अपना काल बिताएं। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। और कुछ कहना है? निर्माणी ले लो।